ये सब जानवर अपने घर छोड़कर और जरूरत का सामान उठाकर कैलाश नाम के एक दुष्ट बैल की वजह से जा रहे हैं। आतंकपुर वाले भोले और अनपढ़ जानवर हैं, इसलिए कैलाश ने उससे उनकी सारी जमीन अपने नाम कर ली है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैलाश हमारे साथ ऐसा करेगा। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ बताओ चाचा जी। अब कोई रास्ता नहीं है शिवाय देवताओं की मदद लेनी होगी, तभी इतने परिवारों को मदद मिल पाएगा। ठीक है कहकर गांव के कुछ जानवर जंगल में उस खास जगह पर जाते हैं। वहाँ पर हमेशा की तरह एक बैल अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। आखिर में वही बूढ़ा बैल सामने आता है बात करने के लिए। आप ये तो जानते होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आप बस हमारी मदद कर दीजिए, बदले में ये आतंकपुर वाले कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप जैसे कहोगे वैसे ही आपका सेवा होगी। उस बूढ़े बैल की बात सुनकर आंख बंद करके बैठा हुआ वो बैल एक जोर की आवाज लगाकर खड़ा होता है और ऐसे कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, बदले में कौन से भी सेवा करोगे, मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। लेकिन इस पल के बाद से तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, ऐसा नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाएगा आतंकपुर हमेशा के लिए। ठीक है कहकर सब अपने हाथ जोड़कर सर हिलाते हैं। उसके बाद वो बैल आसमान में देखकर एक बार और चिल्लाता है। उसके बाद सभी जानवर बेहोश होकर जहाँ पर खड़े थे वहीं पर गिर जाते हैं। जब होश आया तो जंगल का वो हिस्सा खूबसूरत गांव में बदल जाता है। उन्होंने हमारी सुन ली, हम बच गए हैं। हमारे बच्चों के सर पर अब छत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर? कहाँ चले गए हैं वो? तब सबकी नजर उस बूढ़े बैल के हाथ पर पड़ती है। उस बूढ़े बैल के हाथ में एक मास्क था। वो उस मायावी बैल का मास्क था, इसलिए जहाँ पर वो मायावी बैल गायब हुआ था वहीं पर एक छोटा सा कमरा बनाकर उस कमरे में वो मास्क रख देते हैं। मुकोटा चाचा जी के हाथ में था, इसीलिए इसे सामने वाले घर में रहकर चाचा जी ही नजर रखेंगे। अगर कुछ हुआ तो हम सब आसपास ही तो है, भागकर आ जाएंगे। हाँ यही सही रहेगा, आखिरी दिनों में इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है मुझे, और क्या चाहिए। यहाँ पर ये गांव बसते ही वहाँ पर पुराना गांव बंजर बन जाता है। वहाँ की जमीन किसी काम की नहीं रहती है। ऐसा क्यों हुआ है कहकर कैलाश परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पता चलेगा कि ये किसकी जानबूझकर हुई साजिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जिसने भी किया है तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हें वो जमीन वापस मिल सकती है, बदले में मेरी कुछ शर्तें हैं। ऐसे कहते हुए प्रकाश बैल अपनी नियत बदलकर कैलाश को उस मास्क के बारे में सब कुछ बता देता है, बदले में ढेर सारे पैसे और वहाँ से दूर जाने के लिए एक गाड़ी मांगता है। कैलाश बैल खुश होकर उसे वो सब दे देता है और प्रकाश बैल वहाँ से चला जाता है। वो मौका मुझे चाहिए, उससे मुझे वो ताकत मिल सकती है जिसका आज किसी ने भी दंग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे कहते हुए
कैलाश बेल चुपके से जाकर उस मास्क को छुड़ा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कैलाश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस मास्क को पहनने के बाद उसके साथ क्या होगा। मास्क को पहनने के बाद कैलाश अपने होश में नहीं रहता है और एक ट्रेन से भी ज्यादा तेज से भाग कर जाकर प्रकाश को उठाकर गांव में लेकर आता है। गांव में सब पहले से ही जमा होकर खड़े थे, तभी मास्क पहना हुआ कैलाश बेल प्रकाश के साथ वहां पर पहुंचता है। इन्होंने गांव का धोखा दिया है। कैलाश को तो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, लेकिन अपने गांव वाले से तुम खुद ही बात करो। तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए मैं हमेशा के लिए विलपुट होने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए कैलाश बेल उस मास्क के साथ गायब हो जाता है। उसके बाद गांव में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। गांव वाले प्रकाश की गलती के लिए उसे कभी भी माफ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां से चले जाने को कहते हैं और फिर कभी लौटकर मत आना कहता है। उस मायावी बैल की बात के अनुसार धीरे धीरे गांव बर्बाद होने लगता है और प्रकाश बैल भी बहुत सी बीमारियों का शिकार होता है।